कैलाशी अब जो लड़कियां जो बड़ा दे आर द टॉक ऑफ द टाउन बिल्कुल आजम और अमरीना हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि इनसे गाना आपने सुना हुआ है स्टूडियो के लास्ट सेशन में बिल्कुल जी कोक स्टूडियो में आपने इनका गाना सुना हुआ है जबरदस्त बल्कि ओपनिंग एक्ट जिसको कहा जाता है ये दोनों ही थी थैंक यू सो मच अमरीना मेरे राइट पे बैठी हैं आरियाना इज ऑन द लेफ्ट साइड अब अमरीना गाने का हमेशा शौक है वहाँ सारे लोग कैलाश वादी में गाते हैं या फिर सिर्फ आप दोनों ही हैं सारे गाते हैं वहाँ पे सारे गाते हैं सारे डांस करते हैं भाई इनका डांस बड़ा मशहूर है एज इन कैलाशी कल्चर में जो डांस होते हैं ना एक एक स्टेप लेके इट्स वेरी फेमस इज वेल क्यूजीन बड़ी मशहूर है कपड़े बड़े मशहूर हैं तो कराची दूसरी दफ़ा आई हैं कितनी दफ़ा आ चुकी हैं पहले भी आई थी पहले भी आई थी पहले तो वो कोक स्टूडियो का गाना करने आई थी तो अब ये कल्चर फेस्टिवल हो रहा है बाई द वे कराची में दो दिन का कल और परसों होगा बीच लग्जरी में शाम 5 बजे से ऑनवर्ड्स तो आप जाके इनसे सुन सकते हैं आज लास्ट डे अच्छा जी आज लास्ट डे तो आज इनसे अगर आपने पर्सनली मुलाकात करनी है तो आप जा सकते हैं तो यू कैन डू दैट एज वेल एरियाना जल्दी से अपने नाम की कहानी तो बता दें एरियाना ग्रैंडे का मैंने सुना हुआ है लेकिन आपका नाम भी वहीं से आया आरियाना आजम हाँ वहीं से है ओहो खुद ही रखा है मेरा नाम आरियाना फारसीगुल है यानी वहाँ पर और मैंने खुद चेंज किया आरियाना आजम तो यू आप बहुत बड़ी फैन है आरियाना ग्रांडे की हाँ और गिलगित और नहीं अफगानिस्तान में भी है वो आरियाना सैद अच्छा उनकी भी फैन है दो है आरियाना और मैंने कहा कि तीसरा कैलाश वैली में होगी वो है आरियाना आजम बिल्कुल और वो तो कराची भी पहुंच गई तो जल्दी से मुझे ये बात बताएं कि आप लोग अपनी वादी में या अपने फैमिली में क्या पहली सिंगर्स हैं जो कि माशाल्लाह पूरे नेशनल लेवल पर आपको लोग जानते हैं आप गा रही हैं हाँ हम पहले सिंगर्स हैं तो क्या वहाँ कोई रोक टोक होती है या इजाज़त होती है कि आपने जहाँ जाना है आपने गाना है आप गाएं हमने इजाज़त मांगी घर वाले से और इजाज़त मिल गई हाँ। ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ जाहिर है हमने आपका पारी गाना सुना लेकिन उससे पहले कब से आप लोग गा रहे हैं और जब पहली दफ़ा कोई आया कि अच्छा जी आपको कराची लेके जाएंगे वहाँ से गाना गवाएंगे ये सब मान गए क्या हुआ चलो आरियाना से चलो आरियाना आप बता दें वहाँ पर हम गाते तो बचपन से गाते तो सभी हैं हाँ सभी गाते हैं और लेकिन शौक भी है हमारा तो बाकी तो वैसे ही गाते हैं हमारा तो बचपन से शौक है गाने के और सिंगर बनने के हाँ फिर शुरू कैसे हुआ तो कोक स्टूडियो वाले वहाँ आए थे जेब काजी यहाँ से हाँ और हमजा भी आए थे दो थे साथ तो उन्होंने आप सबसे गाने सुने मतलब ऑडिशन हुआ बहुत से लोग थे नहीं सिर्फ आप दोनों ही पहले हम पहले मेरी मम्मी गई थी और उनके साथ कुछ फ्रेंड्स थे अच्छा फिर सेकंड डे हम गए वापस अच्छा पहले अम्मी ने ऑडिशन किया हाँ। तो आप दोनों तो कैलाशी में ही बातें करते होंगे हाँ। ना आपस में थोड़ा सा तो मतलब समझाते हैं हमें कुछ मतलब कि क्या कुछ फूलों की बात हो रही है मौसम की बात हो रही है मोहब्बत की बात हो रही है क्या बात हो रही है अच्छा चलो ठीक है ऑल राइट फॉरगेट इट जल्दी से मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ मैंने इनके कपड़ों के बारे में बात करनी है आप कराची आए हैं मौसम हमारा माशाल्लाह बड़ा गर्म है इधर आपके मौसम तो क्या मौसम होता है तो आप यही पहनते हो वहाँ पे तो यही पहनते हो इधर भी अच्छा हमारे लिए खास तौर पे थैंक यू सो मच आप लोग तो आजकल आप कराची आए हो आपके जो हेयर स्टाइल है ये बाल कौन बनाता है खुद ही बना लेते हो काफी इंट्रिकेट है क्योंकि अगर आपने कैमरा ने फोकस किया हो तो इधर भी मैं आपके बनवाते हैं मैंने मेरा बड़ा दिल चाह रहा है कि मेरे भी होने चाहिए मेरे तो खैर इतने बाल ही नहीं है कि इतनी ज्यादा ब्रेड्स बन जाए बट वेरी नाइस तो ये ड्रेसेस आप साथ लेके आए हो अम्मी अब्बू में से कोई साथ आया है नहीं नहीं सारे एक ही गांव के हैं यानी भाई है बड़े अच्छा, भाई साथ में काफी लोग 20 लोग एक ट्रूप आया है अच्छा, अच्छा, हाँ, जो फेस्टिवल हो रहा है ना उसमें फिर परफॉर्म कर रहे हैं और एक और भी गाना एक गाना हो जाए बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है जी बड़ी ही आप ऑब्वियसली पीपल आर योर फैन बहुत जबरदस्त हो गया फीडबैक आ रहे हैं लोग कह रहे हैं इनसे बस गाना सुनते जाना कौन सा अमरीना आपकी फरमाइश पे पहुंच जाए मेरा ख्याल एग्रीमेंट हो गया कोई स्टार्ट हां कोड वर्ड्स हैं रे ऑनेस्टली मेरा दिल चाह रहा है मैं स्टार्ट हो जाऊं कोई टप्पे लेकिन कुछ हो जाए आ रहा ऐसा करते हैं पारी सुन लेती है समय बस